सर्वप्रथम तो गुड़ी पाड़वा नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा हम मनाते हैं, आज नव संवत्सर की शुरुआत होती है, शकल की शुरुआत होती है। और जैसा कि कहा जाता है कि श्री राम विजय पाकर जब अयोध्या में आए थे तो अयोध्या वासियों ने वहाँ पर गुड़ी सजाकर ध्वजा पताका लगाकर उनका स्वागत और वंदन किया। पूरे शहर में एक उत्साह वाला वातावरण था, वही परंपरा आज यहाँ पर होती है। हम गुड़ी को सजाते हैं और उसके ऊपर नीम के पत्ते और शक्कर की माला लगाते हैं। नीम के पत्ते इसलिए कि नए साल की शुरुआत होती है तो हम सबको आरोग्य मिले, नीम के कारण जो भी औषधि कारक उसमें गुण होते हैं इसलिए नीम के पत्ते, और इसीलिए उस पेड़ को भी बहुत महत्व है। उसी प्रकार गर्मी की शुरुआत होती है तो शक्कर, इसीलिए श्रीखंड और शक्कर खाई जाती है, दही खाया जाता है, जिससे हमारा आरोग्य। हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक कारण भी होते हैं और वो परंपरा इसलिए नियमित रूप से चालू है। और यहाँ पर आज सब पारंपरिक वेशभूषा में नए साल का स्वागत करने यहाँ पर, यह अर्घ देने की परंपरा है। राजबाड़े तो कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल। जब नया साल यहाँ पर शुरू होता है तो हम हमेशा सूर्य का पहली किरण से ही नए साल की शुरुआत करते हैं, इसलिए सबसे पहले सूर्य देवता को नमन कर सूर्य को अर्घ्य देकर शुरुआत होती है। और ये परंपरा करीब 20 साल से चल रही है और यहाँ पे संस्कार भारती, लोक संस्कृति मंच और नगर निगम तीनों मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। सभी यहाँ हर्षोल्लास से सुबह 5 बजे से आते हैं, खूब सुंदर संस्कार भारती की रंगोली यहाँ निकाली जाती है क्योंकि ये शुभ प्रतीक है। हर घर में आज रंगोली मांडी जाएगी और यहाँ पे इसका एक कार्यक्रम मुख करके आनंद। आपका नाम? मैं अर्चना चंद्र।